सोमवार को एक समारोह के दौरान प्रोजेक्ट 75i के तहत देश में स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी आईएनएस करंज को इंडियन नेवी में शामिल किया गया। सेरेमनी के दौरान दस्तावेज पर वॉइस एडमिरल नारायण प्रसाद मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के अध्यक्ष बी शिव कुमार पश्चिमी नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षर किए गए। भारत ने पनडुब्बी निर्माण करने वाले देशों में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स भारत के प्रमुख शिपयार्ड में से एक है। करंज पनडुब्बी से पहले इंडियन नेवी में खंडेरी और कलवेरी क्लास की पनडुब्बियों को शामिल किया जा चुका है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 75i के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा चुका है, जिसके तहत करंज, खंडेरी, कलवेरी, वेला, वैगरी का निर्माण किया जा चुका है। आईएनएस करंज की लंबाई 61 मीटर और वजन 1,565 टन है। यह पनडुब्बी सतह और पानी के अंदर से टोरपीडो और शिप मिसाइल दागने में सक्षम है। इस पनडुब्बी में एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी जुटाने और एरिया सर्विलांस जैसे कार्यों को करने की क्षमता है। अगला अपडेट पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तानी नेवी ने शनिवार को अमन 2021 नामक अपने बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास की शुरुआत की, जिसमें अमेरिका, चीन और रूस सहित 45 देशों के नौ सैनिक भाग ले रहे हैं। अमन का पहला संस्करण 2017 में 32 देशों की नौ सेनाओं के साथ आयोजित किया गया था। अमन 2021 में रूस ने अपने ब्लैक सी फ्लीट के जहाजों को भेजा है, जिसमें एडमिरल गोरोविच और द्विमित्रीय रोजचेवे को भेजा है। एडमिरल गोरोविच एक मल्टी रोल युद्ध पोत है और द्विमित्रीय रोजचेवे एक छोटा पोत है। एडमिरल का वजन 4,000 टन है और यह युद्ध पोत टोरपीडो, एंटी एयर और एंटी सबमरीन को लेकर जा सकता है। शनिवार को पाकिस्तानी नौसेना के प्रमुख ने एडमिरल का दौरा किया और एडमिरल के हथियार और संचार प्रणाली के बारे में जानकारी ली। अगला अपडेट विदेश मंत्रालय को लेकर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि अरब सागर से दक्षिणी चीन सागर तक कनेक्टिविटी के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रही है। गुवाहाटी असम में एक कार्यक्रम में बोलते हुए एस जयशंकर ने यह बात कही। भारत म्यांमार थाईलैंड द्विपक्षीय राजमार्ग के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए परियोजना पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य लाओस के माध्यम से वियतनाम तक इसका विस्तार करना है। कलायान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट लिंक सितवे और पलटुआ आईलैंड वाटर टर्मिनल के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट एक्सेस प्रदान करेगा। जयशंकर ने भारत और जापान की सराहना की है। अगला अपडेट रुस्तम 2 को लेकर है। DRDO भारत के सबसे खतरनाक ड्रोन रुस्तम 2 का परीक्षण अप्रैल में करने वाली है। यह टेस्ट कर्नाटक के चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज में किया जाएगा। इस परीक्षण के दौरान रुस्तम 2 ड्रोन को 18 घंटे और 27,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया जाएगा। रुस्तम 2, जिसे तपस के रूप में भी जाना जाता है, इसे पिछले साल अक्टूबर में सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया था, जिसके दौरान इसे 16,000 फीट और 8 घंटे तक उड़ाया गया था। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि यह ड्रोन टोही और निगरानी के कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है और कहा कि इसमें हथियार भी लगाए जाएंगे जो इस ड्रोन को और खतरनाक बना देंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।